ब्रो मैं रोज काव्स मार रहा हूँ, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, सब सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये देख देख भाई, देख भाई, तू देख रहा है, कोई फर्क नहीं है भाई। तो ब्रो मैं तो तेरे को बहुत पहले से कह रहा हूँ कि तेरे जेनेटिक्स ही इतने फगौल हैं, तेरा गेन होगा ही नहीं ब्रो कभी। काव्स छोड़ दे मारना, बाइसेप कर, बाइसेप मदरफकर। तो तू सही कह रहा है, मतलब एक काम करता हूँ मैं कि अब काव्स मारना छोड़ देता हूँ और रोज बाइसेप्स मारूंगा, ट्राइसेप्स मारूंगा, बढ़िया एकदम आम गेन होएगा, बढ़िया एकदम मदरफकिंग पंप। So guys, if you've been a part of this conversation or maybe you overheard this conversation at the gym, this video is for you. It's going to educate you a lot. So guys, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का आंसर येस और नो या ये सही है गलत में हो। जब हम डेप्थ में जाते हैं साइंस की तो आंसर्स आर मे बी और इट डिपेंड्स, एंड मोस्टली इट डिपेंड्स ही होता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आंसर्स आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स इन अ वेरी सिंपल सेंस गाइस इज द स्टडी ऑफ जीन्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट जीन्स, जीन्स इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपकी बॉडी में होता है, विच डिटरमाइंस द वे यू लुक, द वे यू फील अबाउट योर सेल्फ, द वे यू शेप अप, द वे यू ग्रो, एटसेट्रा एटसेट्रा, द वे यू बिहेव, बहुत सारी चीज़ें। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक्स एंड जीन्स। नाउ लेट्स गेट इन टू अ लिटल मोर डेप्थ। सो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं जिससे हमारा लॉजिक थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहला हो गया जेनोटाइप, दूसरा हो गया फेनोटाइप। ये आपको शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम लग रहे हों और ये हैं भी, बट घबराने की बात नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके इसे आपको समझाने की कोशिश करी है इस पूरे वीडियो में। सो जेनोटाइप इज़ बेसिकली द जेनेटिक कोड जिसकी हम बात कर रहे थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फेनोटाइप इज़ हाउ दोज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। सो इन अ वेरी सिंपल सेंस, खाली आपका जेनोटाइप आपको एक तरह से आपको बनाएगा नहीं, आपका जेनोटाइप प्लस योर फेनोटाइप इज इक्वल टू यू एंड द थिंग्स यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। और गाइस यहाँ पे थिंग्स गेट सो इंटरेस्टिंग एंड सो इन डेप्थ कि शायद जो इंसान बोल रहा हो कि जेनेटिक्स इज एवरीथिंग और मे बी इसके जेनेटिक्स ऐसे हैं तो ही ये ऐसा है, माइट फील वेरी एम्बेरस्ड। तो गाइस एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल जिससे आपको हेल्थ और गेन्स दोनों का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। Now imagine two genetically identical twins are separated on birth. Don't be sad. One is living in a safe, rich, atmosphere where the pollution is less. Maybe the family he lives in is promoting fitness at a regular basis. Unko khana acha milta hai, khane ki availability bhi achhi hai, nutrition bhi hai, exercise bhi hai. So you know, a perfect scenario. And the second one is living in a very poor environment जहाँ पे this scarcity of food, मतलब उन्हें कहते हैं ना कि एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, वहाँ पे pollution भी बहुत है, वहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड तो दूर की बात है क्योंकि उन्हें खाना मिल ही नहीं रहा है। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो वो तो भूल ही जाओ क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिल रहा, तो उनके पास एनर्जी ही नहीं है एक तरह से एक्सरसाइज करने की। सो गाइज ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हैं, मतलब कि एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन इनके जीन्स एग्जैक्टली सेम हैं। तो आप एक बार खुद ही इमेजिन कीजिए, मान लीजिए 20 साल बाद मिलते हैं, हैप्पी मोमेंट, वूहू। सो गाइस सेम जीन्स, जेनेटिकली इनको ऑलमोस्ट द सेम हाइट का होना था, जेनेटिकली इनके ईटिंग हैबिट्स भी ऑलमोस्ट द सेम होने थे, जेनेटिकली इनका मसल मास भी ऑलमोस्ट सेम होना था, जेनेटिकली इनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस भी सेम होनी थी ऑलमोस्ट, बट नहीं है, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस, थोड़ा नहीं मैसिव डिफरेंस, दे माइट नॉट इवन लुक लाइक ट्विन्स नाउ। सो व्हाट प्लेड अ बिग रोल हियर? Environment, and environment has such a big impact on you. What environmental factors you might be thinking? I'm glad you asked. They didn't actually ask you, you know that, right? But I kind of anticipated it. Oh my God, is this what it feels like to be God? Nah, I'm just a mind reader. Never mind. Changes in physical environment, मतलब कि आप कहाँ रह रहे हैं, उस जगह का pollution कैसा है, खाने की availability कैसी है, industrialization वहाँ पे कैसा है, etc. etc. Changes in physical activity, आप कैसे exercise कर रहे हैं, कैसे exercise plan follow कर रहे हैं, आपकी physical activity हो भी रही है कि नहीं। Food availability, economic factors, पैसा,
क्या आपके पास एक्चुअली पैसा है भी वो खाना खरीदने के लिए जो आपके लिए अच्छा होगा? द वे यू बीन रेज्ड, चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यू अंडरटेक. सो स्ट्रेस तो आजकल पूछो मत कितना ज्यादा है. आपके न्यूट्रिशनल चॉइसेस, आपके ईटिंग बिहेवियर्स, आपके ईटिंग पैटर्न्स, आपकी एबिलिटी ये सेंस करने की कि आपको कब भूख लग रही है और कब आप फुल हो गए हो. एंड आई कुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड देयर माइट बी अ टन ऑफ दीज फैक्टर्स. सो मान लीजिए आप एक एवरेज इंसान को, मतलब कि जिसके जेनेटिक्स एवरेज हैं, कंपेयर करें एक ऐसे इंसान से जिसके जेनेटिक्स स्काई रॉकेटिंग है और एक्सट्रीमली गुड. ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल इतना बड़ा है. एक मिनट रुकिए, आई थिंक इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा. सो गाइज, मान लेते हैं कि हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं कंसिडर किए. एक ग्राफ बना के देखते हैं. तो जैसे मान लीजिए ग्राफ है, यहाँ पे जीन्स हैं एंड यहाँ पे गेन्स हैं. सो एक ऐसा इंसान जिसके हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं कंसिडर किए एंड एक ऐसा इंसान जिसके जीन्स बहुत ही अच्छे हैं, उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए. पर्सन ए एंड एक ऐसा पर्सन जिसके जीन्स एवरेज हैं, टेक्निकली अगर हम ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंसिडर ना करें, उनका ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए. तो ये बहुत मैसिव डिफरेंस है जो आप यहाँ देख रहे हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मैसिव डिफरेंस है ही नहीं क्योंकि हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंसिडर किए नहीं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंसिडर किए बिना ये इंसान बन ही नहीं सकता है. तो एक्चुअली ये डिफरेंस यहाँ होगा और मे बी इससे भी कम, ये एक्चुअली यहाँ होगा बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल इतना बड़ा है. एक सेकेंड, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक बहुत ही बेसिक एंड रॉ ड्राइंग से. मान लीजिए ये आप हैं ह्यूमन एंड ये आपके जेनेटिक्स हैं या जीन्स हैं और ये आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं. तो इन दोनों को मिला के आप बनते हो. सॉरी फॉर माय ड्राइंग गाइस, बट आई होप यू गेट द पॉइंट. एंड यू सी कि जेनेटिक्स वर्सेस एनवायरमेंट में एनवायरमेंट का कितना बड़ा रोल है आपको फॉर्म करने के लिए. और यहाँ मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि इस बात की क्या गारंटी है जो इंसान जेनेटिकली ब्लेस था अपने गेन्स बहुत अच्छे पोर्ट्रे करने के लिए, इस बात की क्या गारंटी है कि वो इंसान का बिहेवियर ऐसा है कि वो जिम में जाएगा? क्या पता वो एक ऐसा इंसान हो जिसको पता ही नहीं हो कि उसके जेनेटिक्स इतने अच्छे हैं? क्या पता वो एक ऐसा इंसान हो जो एक कॉर्पोरेट जॉब में फंसा हो? क्या पता वो एक ऐसा इंसान हो जिसकी ब्रिंगिंग अप ही ऐसी फैमिली में हुई हो जहाँ पे वो जिम जाना अफोर्ड ही ना कर पाए? सो इतने सारे फैक्टर्स हैं कि आप अगर ये कह रहे हो कि नहीं वो बंदा है, उसके काव्स इसलिए हैं क्योंकि उसके जेनेटिक्स बहुत बढ़िया हैं, नहीं. ज़्यादातर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि उस इंसान ने इतनी मेहनत करी होगी अपने वर्कआउट में, अपने न्यूट्रिशन प्लानिंग में, और साथ में उसके पास विल पावर होगी, उसके पास डिसिप्लिन होगा, उसके पास एक मोटिवेशन होगी, उसके पास एक अच्छी गाइडेंस होगी. ये सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करना ही भूल जाते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट यू नो पिल टू स्वॉलो बिकॉज वी थिंक कि वो इंसान ने शायद मे बी ही इज़ ऑन गियर, मे बी ही इज़ जेनेटिकली ब्लेस्ड और मे बी ही इज़ दिस एंड दैट. हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो इंसान हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो सकता है, वो इंसान हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो सकता है, वो इंसान एक ऐसा प्लान फॉलो कर रहा होता है जहाँ पे उसको वो बेनिफिट देगा. सो गाइज, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट जीन्स और वर्स्ट जीन्स का वैसे ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, बट एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. सो मान लीजिए एक इंसान है जिसकी बेस्ट जीन्स है, एक इंसान है जिसकी वर्स्ट जीन्स है. यहाँ पे मैं फैट लॉस की बात कर रहा हूँ. एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल इतना बड़ा है जैसे मैंने पहले बोला कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर भी करूँ तो मेरे फैट लॉस के रेट में एवरीथिंग कॉन्स्टेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बीइंग कॉन्स्टेंट, इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स इवन बीइंग कॉन्स्टेंट कि डिफरेंस बस 0.5 to 1 kg का ही आएगा इन ओवरऑल साइज. एंड क्लियरली हम इस 0.5 और 1 kg को लेकर परेशान नहीं होते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज इवन विद द बेस्ट एंड वर्स्ट जीन्स कंसिडरिंग द सेम एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिफरेंस यही आएगा. इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर थिंकिंग कि आप यहाँ हो,
आप सोच रहे हो कि आपकी जीन्स की वजह से आपका 10 केजी लूज नहीं हो पा रहा है, यू रॉन्ग. What might be an issue is your environment, your eating habits, your physical activity, the plan you're following, the nutrition plan you're following, etc., etc. So differences that, not genetics. Guys, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा. बहुत लोग मुझसे question कर रहे थे कि मेरा एक ही जगह fat accumulate क्यों होता है. Now I again want to roll back to the same thing, which is environment. गाइज, एनवायरनमेंट का इतना बड़ा रोल है आपको फॉर्म करने में कि जेनेटिक्स का रोल बहुत ही छोटा दिखता है उस चीज़ के सामने. नाउ देयर वाज अ स्टडी, देयर वाज अ ट्विन स्टडी जहाँ पे यू नो इट वाज एक्चुअली सीन दैट इफ अ पर्टिकुलर ट्विन हॉग्स इन मोर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि इन द वूम इटसेल्फ, चांसेस आर जिनको कम न्यूट्रिएंट्स मिले उनका IGF level, IGF 1 level, insulin like growth factor 1 level is particularly less, jiske chakkar mein they tend to become more obese. But again, this can be overridden with good environment. So even in this worst case scenario, agar main yahan dekhu, environment is still overtaking genetics. And this applies to everyone who is thinking कि मेरा यहाँ पे fat accumulate हो जाता है. हाँ ठीक है, होता है, लेकिन at the same time you need to realize that have you tried every particular thing or have you followed the protocols or the fundamentals of nutrition and training? People who are thinking they might have followed everything, you have not followed everything. There's always room for improvement. There's always room for improving your fundamentals of training and nutrition. So all in all, you want to improve on these habits plus your environment, your sleep patterns, your mood, your the ability of you sensing ki aapko bhook lag bhi rahi hai, mindful eating, you know, mindfulness in general. Itte sare factors hain jo ye sab determine karte hain. So your answer is again the same. It's the environment which is kind of making you think that your genes are lacking behind, which is not the case. And guys, that is the answer to whatever you might have in mind. I hope this video gives you a hint ki genetics is not the answer. The answer again are lifestyle choices. Thank you so much for watching, guys. If you feel like you've had a good time watching this, if you feel like you learned something from it, do give it a thumbs up. Subscribe to the channel, guys, because I need it. Again, I apologize for my bad handwriting. Cheers. And you're as strong as you want to be.